दुनिया के बहुत सारे बादशाह हैं, लेकिन हमारा बादशाह सिर्फ हमारा खुदा है। आमें। तो हम पूरे जोश के साथ, खुशी के साथ अपने खुदा को वेलकम करते हैं कि हमारी खुशी को बढ़ाए। रब खुदावंद बादशाह है, पाकिस्तान के लिए ये आजादी का दिन है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो वाकयात हालात हमारे पाकिस्तानी मसीही बहन भाइयों के साथ पाकिस्तान में पेश आ रहे हैं, तो आपके जहन में ये सवाल उठता होगा कि एक तरफ तो हमारे साथ ऐसे दर्दनाक वाकयात जैसे कि गोजरा में भी रिसेंटली हुआ है, बाकी और काफी शहरों में वाकयात हुए हैं, और दूसरी तरफ हम जज्बाए हुब्बुल वतनी शो कर रहे हैं। तो इसका जवाब ये है कि गो के हम बाहर के मुल्क में 100 साल भी क्यों ना रहें, हम रहेंगे तो पाकिस्तानी। पाकिस्तान में हमने पैदाइश ली या हमारे वालदैन ने पैदाइश ली, और हमारी ये ख्वाहिश है कि हमारी औलाद हमारे बच्चों तक ये बात पहुंचे कि हम पाकिस्तानी हैं और ये हमारे खून में, इट इज़ इन आवर ब्लड दैट वी आर पाकिस्तानी, एंड वी कैन नॉट डिनाई दैट। इसलिए हम चाहते हैं कि हम इस आज़ादी को अच्छे तरीके से मना सकें, और दूसरी तरफ इस चीज़ का अहद करें कि जब हम बाहर रहते हैं और हमें यहाँ आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ राइट है, तो हम उसको इस्तेमाल करते हुए जो हमारी फैमिलीज बहन भाई पाकिस्तान में हैं उनको ना भूल जाएं, बल्कि उनके लिए भी कोशिश करें कि अपनी हुकूमत पर जोर डालें, अपने जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनको ये बावर कराएँ कि वो हमें भी वैसे हकूक दें जैसा कि पाकिस्तान बनते वक्त हमसे वादा किया गया था। स्पेशली जो वाकया अभी रिसेंटली गोजरा में हुआ उसको मद्देनजर रखते हुए मेरी दरख्वास्त है कि इस प्रोग्राम के आगाज़ में हम कुछ देर के लिए उनके सोगवार फैमिलीज के लिए, उनके साथ शामिल होने के लिए हम एक मिनट का साइलेंस करें, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं। और एक शेर मुझे याद आ गया, हर आदमी अलग सही, हर आदमी अलग सही, हर उमंग एक है, हर उमंग एक है, हर आदमी अलग सही, लहू का रंग एक है। तो हम सब मिलके तो एक मिनट के लिए साइलेंस करेंगे उन लोगों के लिए जो रिसेंटली वाकया गोजरा में हुआ।
आए हम सब मिलकर हुब्बुल वतनी का जज्बा शो करते हुए सोनी धरती गाएंगे, इसलिए कि उस धरती में हमने, हमारे वालदैन ने, हमारे अबाओ अजदाद ने सब ने पैदाइश दी और हम उसका हिस्सा हैं। और मेरी दरख्वास्त है कि पादरी आफ्ताब और पादरी क्लाइमेट साहब दोनों सामने तशरीफ लाएं और इस मेहमानी दरमियान करें गाने में। शायद मेरी उर्दू पंजाबी में थोड़ा सा कुछ हो तो मैं कोशिश करूंगा कि अपनी इंग्लिश में जितनी भी मुझे आती है मैं आपके लिए दुआ करूंगा जरूर सबके लिए। तो मुझे माफ़ करना कि मैं पाकिस्तानी हूँ लेकिन फिर भी मेरे लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है, मैं सबको पहले बता रहा था। तो लेट्स बो आवर हेड्स एंड लेट्स प्रे। Heavenly Father, we thank you, we bless you, we give you honor and praise this evening. This is the time you have given us that we can pray in your presence, Father. And we thank you, Father, for our country, Pakistan. You gave us this day, and it was 62 years ago that we got the independence, and now we are celebrating today. And Father, this celebration has brought a good image in us that we belong to that country. But first of all, we thank you because we belong to you, and you have given us that gift that we can enjoy it. We thank you, Father, for today, for every guest, every brother, every sister, everybody who is presented here. Lord Jesus, they will be really blessed by the speech. They will be really blessed when you will, Father, bless them with the good things and good thoughts, Father. When they go from here, they will be having a different ideas and different ways of life, Father. And Father, from the today's program, all the blessings come from you. And Father, everybody who is going to organize it and who is going to do things, participation, Father, anyway, Father, your blessing will be with them. Especially, Father, for the organizers, Father, I pray for your divine favor and divine presence in their lives, Father. We thank you, we bless you, we honor you for all the guests and everybody in this place, in Jesus' name. Amen. Amen.